केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केंद्रीय वस्तु व सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त मुकुल पाटिल के ऑफिस से 5,85,000 और घर से 7,40,000 कुल 13,25,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान घर से सोने के 20 सिक्के व प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। इस बीच विशेष सीबीआई कोर्ट ने घुसखोरी के आरोपी मुकुल पाटिल व चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत राजदेकर को 7 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। याद रहे सीबीआई ने यवतमाल के एक ठेकेदार से 4 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में सीए हेमंत राजेंदेकर और मुकुल पाटिल को गिरफ्तार किया था। यवतमाल के इलेक्ट्रिकल सामानों के ठेकेदार जैन चौपाने को जीएसटी की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा गया है। मामले की सुनवाई पाटिल की निगरानी में होनी थी। जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त पाटिल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से 4,50,000 की रिश्वत मांगी थी। सीए को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। मुकुल पाटिल को जीएसटी के ऑफिस से हिरासत में लिया गया था। सीबीआई ने मुकुल पाटिल के ऑफिस से 5,85,000 और घर से 7,40,000 रुपए बरामद किए। तलाशी के दौरान घर से सोने के 20 सिक्के और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। बरामद सिक्कों में कोई 10 ग्राम तो कोई 50 ग्राम का है। अभी कुल संपत्ति का आकलन होना बाकी है। पाटिल मूलतः नागपुर के हैं। वे सरकारी बंगले की बजाय अपने निजी आवास में रहते हैं। जीएसटी के और भी अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। सीबीआई के वरिष्ठ अधीक्षक एमएस खान के मार्गदर्शन में जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।